हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं दीपक कुमार ब्लॉग्स। आज थोड़ी सी हालत नाजुक है, एक्चुअली बीमार हो गया हूं, थोड़ा सा जुकाम हो गया, हल्का हल्का सा फीवर है और मम्मी को भी फीवर आ गया। तो इस वक्त हम अभी जा रहे हैं लाइट, कुछ दवाइयां लेनी है मम्मी के लिए, मुझे कुछ सामान भी लेना है अपने लिए। तो पहले चलते हैं लाइट, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तुम लोग को एक चीज पता है कि नहीं? पता नहीं, चलो बता दो। इस वक्त झांसी में दो शूटिंग चल रही हैं, जिसमें से एक मूवी है ऐश्वर्या राय की और प्रकाश राज। जिन लोगों को नहीं पता, प्रकाश राज कौन है, वो वांटेड फिल्म में जो विलन है प्रकाश राज, और उनकी शूटिंग हुई है अभी ओरछा में, कल हुई थी ग्वालियर में, अभी पता नहीं कहाँ पे। और दूसरी शूटिंग हो रही है डेढ़ बीघा जमीन की, जिसमें है प्रतीक गांधी, जो कि हर्षद मेहता के नाम से फेमस है, और शायद एक्ट्रेस है इस वक्त उसमें खुशहाली कुमार। जो कि 40 दिन का शूट है झांसी में, और उसका कुछ पार्ट ओरछा में शूट होगा और सीपरी सदर। इस वक्त सीपरी में शूट होता है वो रात के टाइम। जुकाम की वजह से मेरी आवाज थोड़ी अजीब से आ रही होगी, तो फिर इग्नोर करना उस चीज को। ये रोड जाने कब बनेगी? हजारी की, हजारी की रोड बनी नहीं, आगे की रोड बनने लगी, हसारी छोड़ के आगे रोड बनाने लगे। तो यहाँ वो दिखता भी गाड़ियां खड़ी रहती है बस। ये देखो, ऐसे लोग मतलब समझ में ही नहीं आता गाड़ी कहाँ चला रहे हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला गाड़ी हटा देगा, लेकिन मैं नहीं हटा सकता, मैं ठोक ही दूंगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। रुक जाता तो सुनाता अच्छे से, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है कसम से। एक तो रॉन्ग साइड ऊपर से स्पीड भी कम नहीं करता। आ जा तू जा, मैं कहता लगे थोड़ी, लेकिन भाई छोड़ूंगा तुम नहीं सर। इसीलिए कैमरा होना बहुत जरूरी है कभी कभी गाड़ी पर, कम से कम आपके पास सबूत तो रहता है कि गलती किसकी है। और जब तक आप सामने से हटाते रहेंगे तब तक वो आप ही बचाते रहेंगे। ये देखो, यहाँ पे रोड बनती स्टार्ट हो गई है, हसारी छोड़ के यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। या तो मुझे लग रहा है हसारी में गैस की पाइपलाइन डल रही है, तो शायद हो सकता है उसकी वजह से डिले हो रहा, पाइपलाइन डल रही होगी, और अगर पहले रोड डल गई तो फिर से खुदाई करनी पड़ेगी, शायद हो सकता है इस वजह से रुका हुआ हो लग रहा। मुझे मेरे घर में भी पाइपलाइन लगवानी है। ट्रेन निकली है अभी अभी थोड़ी देर पहले, तो उस वक्त ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। यहाँ का भी सीन थोड़ा अलग है, यहाँ पे पहले दो होम गार्ड खड़े रहते थे लोगों को सही से लगाने के लिए, बट अब नहीं खड़े रहते, कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं। टू व्हीलर होने के फायदे बहुत सही फायदे हैं टू व्हीलर होने के, लेकिन कभी रॉन्ग साइड ना जा। वैसे ऑल ओवर इंडिया में दो हेलमेट का चलन है, मतलब अगर आपके पास दो हेलमेट नहीं है आगे पीछे तो आपका चलन कट सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा सीन है कि आप एक ही हेलमेट ला के चले जाओ तो भी ठीक है, और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि एक भी हेलमेट ला कर नहीं चलता है, तीन और बैठा लेता है।
आराम से। हाँ जुकाम की वजह से नींद भी नहीं आई ढंग से, वैसे मैं सोता नहीं हूँ रात में, 4 से 5 बजे तक मैं जागा रहता हूँ, उसके बाद सोता हूँ। दिन में वीडियो बना देता हूँ, रात में एडिटिंग करता हूँ, अपना अपलोड करता हूँ, मूवी देखता हूँ रात में, और जो मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं उससे रिलेटेड मैं काम करता रहता हूँ। बहुत जल्द रिवील करूंगा मैं कि मैं क्या कर रहा हूँ अपना आगे। जैस फिल्म्स का कल एक वीडियो आया था, मतलब आज एक वीडियो आया है, अगर आप कल ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाओ कल एक वीडियो आया था, जिसमें एक फोन का माउंट दिखाया था, नाम तो मैं भूल गया लेकिन बहुत सही था यार, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं था, आपका फोन कवर जो है वही आपका फोन माउंट बन जाता है, एक पतली सी स्टिक आती है यहाँ पे और उसमें फिट हो जाता है, मतलब बहुत सही था यार वो फोन माउंट, ना ज्यादा स्पेस घेरता है ना आपका स्पीडोमीटर कवर करता है पूरा, ऐसा काफी कंफर्टेबल भी है, तो एक बार जरूर चेकआउट करना उसको। जेस फिल्म्स रिसेंट वीडियो, रिसेंट लास्ट डे का वीडियो। अभी हमें लेना है पतंजलि से एक प्रोडक्ट पीड़ा नेल स्प्रे, मम्मी के जॉइंट्स में थोड़ा प्रॉब्लम है तो इस वजह से काम आता है। अगर मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे मोटो ब्लॉग बनाने लगा ना तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि यहाँ के लोग गाड़ियाँ चलाते कैसे हैं, बाइक कैसे चलाते हैं लोग, कार कैसे चलाते हैं लोग, बिल्कुल मतलब तमीज ही नहीं है चलाने की लोगों को यहाँ पर। ना इंडिकेटर देना है किसी को, बेसिक नॉलेज ही नहीं है हम लोग को यहाँ पर। जब से काम हुआ है मेरे को तब से मेरी आंखों में भी प्रॉब्लम हो रही है, जलन से हो रही है और आजकल का फीवर भी आ रहा है, इससे पहले कि मैं ज्यादा बीमार हूँ मैं अभी शाम को अपनी दवाई ले लूँ। वैसे हालत तो मेरी रक्षाबंधन के दिन से ही खराब है, तो अपना लेफ्ट हैंड साइड हमेशा खुला रहता है और हमें लेफ्ट हैंड साइड ही जाना है। हेमंत और अमू जो जमाते वो ये है ग्रैंड स्लैम एक पतंजलि के सामने। पतंजलि में तो मेरे को हाउसफुल सा लग रहा है, थैंक यू। तो अपना स्प्रे वाला काम हो चुका है, अब चलते हैं अपन लाइट पे कैप लेने, जहां पे मैं कैप लेने जा रहा हूँ वो मेरे दोस्त का शॉप है, देखना है वो मिलता भी है कि नहीं। आज न्यूज में आया तो था कि अब से चालान कटना स्टार्ट हो जाएगा, तो लोगों को ये भी जान लेना जरूरी है कि फुटपाथ के पीछे खड़ा होना पड़ता है, फुटपाथ पे नहीं, यहाँ पे 2 लाइनें बनी हुई है जिसके पीछे खड़ा होना, लेकिन यहाँ पे सब साला 2 लाइनों के बाद ही खड़े होते हैं। फोर व्हीलर वाले कुछ भी कर सकते हैं, बीच रोड पे बैक हो रही थी तो अब हम आ चुके हैं लाइट, और लाइट पे ट्रैफिक अभी काम नहीं करता है, ट्रैफिक लाइट अब थोड़ा सा डेंजरस हो गया है जब से ट्रैफिक लाइट लगी है, अब ट्रैफिक लाइट बंद होती है थोड़ा चांसेस ज्यादा हाई हो जाते हैं एक्सीडेंट के, ये कोई भी कहीं से भी आने लगता है, स्पीड में होगी स्पीड भी स्लो नहीं होती है, तो लाइट पे अवध के थोड़ा सा एक शॉप छोड़ के है हमारे दोस्त की दुकान जिसका नाम है मेट्रो शूज,